Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Again, I am going to take lecture on SYJC Economics in continuation with the last video lecture. हम लोगों ने डिमांड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, डिमांड के टाइप्स, डिमांड के फैक्टर्स मैंने डिमांड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. देन इसके पहले का वीडियो, दैट वॉज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड ए का. That was on law of demand, its assumptions and exceptions. अब आज का जो लेक्चर है, it is lecture number 3 on consumer behavior demand analysis. तो आज के लेक्चर में we are going to see market demand, individual demand and market demand, ये concept देखेंगे, and why demand curve slopes downwards from left to right. This is chapter number 3rd A, 12th standard, as per the new syllabus, and I am Dr. Kalpesh Parmar, and these are my qualifications on your screen. So इसमें अभी हम लोग ये दो क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. सबसे पहला मार्केट डिमांड बताना है तो आई विल हैव टू टेक द करेस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. सो बेसिकली मेरा ये आप लोगों को क्वेश्चन है कि इन दोनों में से, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ये दोनों में से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है. बोलो बोलो बोलो. यस, गलत. आई नो दैट आप बोलोगे इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और मार्केट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. दीज बोथ दी कंसेप्ट्स आर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली. इसीलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें ये कंटेंट है. व्हाई या हाउ? इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, समझे? मार्केट डिमांड कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है? तो फिर मैक्रो में क्या आएगा? तो मैक्रो में आता है एग्रीगेट डिमांड. जब तक कोई डेटा नेशनल लेवल तक नहीं आता है, मतलब नेशनल पूरे कंट्री का टोटल डेटा, तब तक वो मैक्रो में काउंट नहीं होगा. मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में जो जितने भी बायर्स है उनका बिहेवियर यहां पर चेक किया जाता है. देखेंगे वो क्या एग्जैक्टली. तो अगर मैं आपको समझा दूंगा ना दोनों कंसेप्ट, आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट डिमांड भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्यों है. तो पहले समझते हैं, जो आपको पता है इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो का कंसेप्ट है, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड यानी क्या, डिमांड यानी क्या, कौन करता है डिमांड? यस, कस्टमर, कंज्यूमर. तो एक इच कंज्यूमर का, हमारी मुंबई कर लैंग्वेज में एक इच कंज्यूमर का डिमांड अगर लिया तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा. सो डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल कंज्यूमर कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिविजुअल डिमांड. देखो यहां पर कितने कस्टमर्स घूम रहे इधर, इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, राइट, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रहता है. वेरी फ्यू पीपल वेर अलाउड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मे, जून. Very few people were allowed in the supermarkets, बराबर है, departmental stores, supermarket, उसमें very few people allowed. तो ये एक ही customer, अब ये particular अलग अलग एक ही product के अलग अलग prices अगर उसके सामने रखे तो वो क्या अपना behavior, क्या बोलेगी, कितना demand करेगी, that is individual demand. That concept, individual demand को explain करने के लिए दो चीज आएगी. One is schedule and the other is curve diagram. Schedule को क्या कहेंगे? Individual demand schedule. Individual demand schedule मतलब table बनेगा. तो आपके law of demand, इसके पहले के वीडियो में जाके देख लो. अरे don't worry, वो वीडियो का description box में मैंने link दिया है. तो law of demand में मैंने जो example लिया था, that is an example of individual demand. तो एक तरफ आएगा price of a commodity, क्योंकि customer demand करेगा किसके basis पर, प्राइस के हिसाब से. तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लिया और सामने वो कस्टमर क्या रिप्लाई करता है, बोलो बोलो बोलो. 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, इस तरह से अगर 2 रुपए से प्राइस कम होगा आप कितना कितना डिमांड करोगे, बोलते मैं 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे डिमांड करूंगा. ये जो रिप्लाई आया ना एक जन का, दैट इज हम लोग एक जन का डिमांड लिया. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर टू इंडिकेट डिमांड? ओनली वन कॉलम. देखो ये एक कॉलम, सर दो कॉलम है ना, मैं पूछ रहा हूं डिमांड इंडिकेट करने के लिए कितनी कॉलम है, एक ही कॉलम है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. अब इसी को अगर हम लोग
डिमांड कर्व बनाएंगे इस पे से, यानी कि हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफ, देयर विल बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ना 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 ना, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, देन वी विल पुट डाउन द ओरिजिन पॉइंट दैट इज जीरो, फिर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि इंडिविजुअल डिमांड, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस, प्राइस कैसे लिखने का है, प्यार से, पी आर आई सी ई, एक के नीचे ऐसा लिखने का अच्छे से। फिर हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, अरे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए देखो यहाँ पर डिमांड में 100 to 500 है, प्राइस में 2 to 10 है, अब देखना पड़ेगा हम लोगों को प्राइस 10 से 8, 6, 4, 2, सेम लॉ ऑफ डिमांड वाला एग्जांपल, डिमांड 100 से 200, 300, 400, 500, इस पे से हम जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उससे डिमांड कर्व बन जाएगा, वो डिमांड कर्व हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जब 10 रुपीज प्राइस है तब 100 यूनिट्स डिमांड है, बराबर है, यानी कि यहाँ पर आएगा, फिर 8 में 200, 6 में 300, 4 में 400, 2 में 500, ये 5 पॉइंट्स बने, तो ये 5 पॉइंट्स से एक कर्व बनेगा, दैट विल बी योर डिमांड कर्व। डेफिनेटली व्हेनेवर देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड फैक्टर ऑफ वाई एक्सिस, इन दोनों में जब भी इनवर्स रिलेशन रहेगा तो देयर विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोप, तो नीचे की तरफ गया, दैट इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्या हो गया ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो दिस इज हाउ यू विल पुट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड प्रिपेयर द इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो मार्केट डिमांड है। अब मार्केट डिमांड यानी क्या, एक नहीं, एक मार्केट के सारे बायर्स को ले लिया, यानी कि डिमांड फॉर ऑफ मैनी और ऑल द बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट कॉन्स्टिट्यूट्स मार्केट डिमांड। एक ही मार्केट का आपने डेटा लिया हुआ है, जैसे कि यहां पर देखो वही डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग डिमांड करेंगे, वही प्रोडक्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेम, समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया कोई कौन सा प्रोडक्ट ले लिया, समझो यहाँ पर पिकल है, आचार, अब वो आचार अलग अलग लोग उसको खरीदते हैं, तो लोगों को पूछा अगर 100 रुपया रहेगा तो आप कितना खरीदोगे, अच्छा अगर 80 हो गया तो कितना खरीदोगे, अच्छा 60 हो गया, तो वो एक कस्टमर अलग आंसर देगा, दूसरा कस्टमर अलग आंसर देगा, तीसरा कस्टमर अलग, हर एक का कैपेसिटी अलग अलग होता है ना, तो उन कैपेसिटीज अलग अलग कस्टमर की अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से उनका अलग अलग डिमांड होगा, सबको प्लस कर दिया, क्लब किया, दैट बिकम्स योर मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल डेफिनेटली ये टेबल आएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में पहले आएगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सामने हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आता है, लेकिन हम मैनी बायर्स या ऑल द बायर्स ऑफ अ मार्केट ले रहे हैं, तो वहां पर क्या लेंगे हम लोग, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 कस्टमर्स ले रहा हूँ, 3 बायर्स ले रहा हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मतलब चलो नाम ले लेते, ए यानी अरविंद भाई समझ लो, बी यानी बाबू भाई और सी यानी चंदू भाई, फॉर एग्जाम्पल, बराबर है, तीनों का डिमांड प्लस करेंगे तो हमको मार्केट डिमांड मिल जाएगा तीनों का टोटल। अब ये 3 अलग अलग है, मतलब अलग अलग आदमी है, अलग अलग चेहरे, इसलिए अलग अलग नहीं, यहाँ पर दीज आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स। मिस्टर ए यानी अरविंद भाई है ना, वो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, उनका इनकम, उनका सैलरी होता है महीने का, फैमिली इनकम ही 10,000 रुपया समझो महीने का। बाबू भाई थोड़े अच्छे लेवल पे है, उनका मंथली इनकम समझो फॉर एग्जाम्पल है 40,000 रुपीज, मिडल इनकम ग्रुप हो गया। और चंदू भाई सबसे शान है, 1,00,000 रुपया महीने का पगार है समझो। अब बोलो सबसे ज्यादा डिमांड कौन करेगा, कोई भी प्राइस होने दो, एक पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज्यादा डिमांड कौन करेगा, सीधी सी बात है चंदू भाई। सबसे कम डिमांड कौन करेगा, यस सीधी सी बात है अरविंद भाई। और दोनों के बीच में डिमांड किसका रहेगा, बाबू भाई का, क्योंकि तीनों का अलग अलग कैपेसिटी है, तीनों का इनकम ग्रुप अलग अलग है। तो अलग अलग बायर्स को बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 बायर्स लिया। क्यों 3 बायर्स लिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट में 100,000, लाखों बायर्स होने दो, वो सारे बायर्स को है ना हमको पहले से सिखाया गया है, वो लोग 3 कैटेगरी में होते हैं, लोअर इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम। तो मैंने वो 3 कैटेगरी यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, वैसे तो अलग अलग बहुत आएंगे। ओके समझो अगर अपना प्राइस वही लिया हमने, इंडिविजुअल वाला एग्जांपल वाला प्राइस लिया 10,8,642, यानी धीरे 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 हर एग्जाम्पल में, हर नेक्स्ट स्टेप में प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो बोलो प्राइस कम 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 होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? यस, डिमांड बढ़ेगा, चाहे वो अरविंद भाई हो, चाहे वो बाबू भाई हो, चाहे वो चंदू भाई हो। ऐसा नहीं है अरविंद भाई का इनकम कम है तो ये इसका डिमांड कम होते जाएगा, डिमांड हर एक का बढ़ेगा, खाली इसका सबसे कम डिमांड रहेगा, इसका चंदू भाई का सबसे ज्यादा डिमांड रहेगा। अभी हमने जो इंडिविजुअल में एग्जांपल लिया था वो समझो हमारे अरविंद भाई थे। अरविंद भाई बोलते जैसे जैसे 10 से शुरू करोगे मैं 100 से शुरू करूंगा, 8, 6, 4, 2, 2 रुपए से प्राइस कम करोगे मैं 100 यूनिट से डिमांड बढ़ाने का मेरा कैपेसिटी है। बाबू भाई बोलते मैं तो अरविंद भाई से थोड़ा शाना है, मैं स्टार्ट करूंगा 200 से। लेकिन 200 से स्टार्ट किया तो अरविंद भाई ने जैसा किया मैं भी वैसे ही करूंगा, वो 100 से स्टार्ट करके 100 से बढ़ाया, मैं भी 200 से स्टार्ट करके 200 से बढ़ाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरा कैपेसिटी 150 यूनिट बढ़ाने का है, हर 2 रुपया प्राइस कम करने पर मेरा 150 यूनिट बढ़ाने का कैपेसिटी है। तो 200 to 350, बोलो 350 से कितना होगा, आप 6 रुपए में, 6 रुपए 8 से 6, यस 500, 500 से यस 650, 650 से यस 800, यानी इसका मिडिल कैपेसिटी है। और चंदू भाई बोलते मैं सबसे शाना, मैं स्टार्ट करेगा 400 यूनिट से। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं 10 रुपया प्राइस में 400 यूनिट डिमांड कर रहा हूं तो 8 रुपए में मैं 800, ऐसा नहीं, मैं 200 से बढ़ाएगा अपना 600, 800, 1000, 1200। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा, चाहे अरविंद भाई हो, बाबू भाई हो, चंदू भाई हो, उनका इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो डिमांड बढ़ते ही जाएगा। अब तीनों का मिला के बोलो 10 रुपया प्राइस पे अरविंद भाई, बाबू भाई, चंदू भाई, तीनों ने बता दिया मेरा इतना इतना डिमांड रहेगा, तो तीन मिला के टोटल मार्केट डिमांड हो रहा है 700, यहां पर तीन मिला के हो रहा है 1150, यहां पर तीन मिला के हो रहा है 1600, यहां पर तीनों मिला के हो रहा है 2050, और यहां पर तीनों मिला के हो रहा है 2500। सो चाहे कम इनकम हो, ज्यादा इनकम हो, कोई भी कस्टमर आए, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगा वो अपना डिमांड वैसे वैसे बढ़ाते जाएगा, खाली उनका डिमांड बढ़ाने का स्टार्टिंग पॉइंट और बढ़ाने का कैपेसिटी सबका अलग अलग रहेगा, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं क्यों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि भले आपने तीनों का टोटल ऐसा 10 जन का 50 जन का 1000 जन का टोटल लो, लेकिन आपको वो प्राइस पे पहले अरविंद भाई को अलग से पूछना पड़ेगा, आप बताओ आप 10 से 8, 8 से 6 से कम होगा आप कितना कितना बढ़ाओगे, तो वो अपना डिमांड बता देगा। फिर आपको अलग से बाबू भाई के पास जाना पड़ेगा, बाबू भाई बोलो कितना कितना, बोलेगा 200, 350, 500, 650, 600, 800, मतलब आपको लेना तो पड़ेगा डेटा इंडिविजुअली। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड, इट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिया जाता है। ओके, तो अब हम लोग को इससे डिमांड कर्व बनाएंगे, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। अब मार्केट डिमांड कर्व बनेगा तो एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बराबर है यस, फिर ओरिजिन, वाई एक्स एक्सिस पे मार्केट डिमांड, वहां पर इंडिविजुअल डिमांड था, वाई एक्सिस पे प्यार से प्राइस लिखने का। ओके, अभी ओके, फिर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अभी वहां पर मिनिमम 700 था, मैक्सिमम 2500 था, तो 500-500 का मैं डिफरेंस ले सकता हूँ, 500, 1000, 1500, 2000, 2000, प्राइस तो वही है 2, 4, 6, 8, 10। अब इस पे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, अरे मैं तो भूल गया, वापस चलो। हम लोगों को क्या देखना है, ये इस तरह से प्राइस 10 से स्टार्ट होके 2-2 से कम होते गया प्राइस, तो डिमांड 700 से स्टार्ट होके 1150, 1600, 2050, 2500। याद रखोगे आप? याद रखना, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। चलो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो 10 रुपीज प्राइस में डिमांड था 700, यानी शायद इधर के आसपास आएगा, हाँ। फिर 8 रुपीज प्राइस हुआ तो डिमांड 1150 हो गया, हाँ बराबर। 6 रुपीज प्राइस हुआ तो डिमांड 1600 हुआ। 4 रुपीज प्राइस हुआ तो डिमांड 2050 हुआ, यहाँ पर इसके सामने 2 रुपीज प्राइस हो गया तो डिमांड 2500 हो गया। तो इससे ये 5 पॉइंट से डिमांड कर्व बनेगा, नीचे गया, वेरी गुड, ये डिमांड कर्व, नो डाउट ये नीचे ही जाएगा, नेगेटिव स्लोप ही बताएगा, ये है आपका मार्केट डिमांड कर्व। क्यों नेगेटिव स्लोप बताया? क्योंकि तीनों का मिला के भी जो लिया तो 10, 8, 6, 4, 2, 700, 1150, फिर उसके बाद था 1600, फिर उसके बाद था 2050, देन 2500, व्हाटएवर, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। जब भी
ये दोनों x एक्सिस के और y एक्सिस के फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड ही आएगा। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा राइट में चला गया, ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि फर्स्ट इज डायरेक्टली 700 एंड देन 450 से बढ़ रहा है, और उसमें क्या था, इंडिविजुअल में 100 था, फिर 100 से ही बढ़ रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बोथ कॉन्सेप्ट्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट, इसीलिए मार्केट डिमांड भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे इसका रीजन तो मैंने 10 बार अभी बता दिया, इसके पहले के वीडियोस में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। Whenever there is an inverse relationship between the factors of x axis and y axis, the slope of the curve, बराबर है, वो जो कर्व बनेगा, curve made in that diagram will always be negative, will always be downwards. तो ये downward slope क्यों आया? क्योंकि देखो देखो देखो, price कम हो रहा है, demand बढ़ रहा है। जब भी एक axis का factor कम हो रहा है, दूसरे axis का factor बढ़ रहा है, whenever there is an inverse relationship between these two factors, the slope will always be downwards. But ये हो गया main reason. This is called as price effect. Main reason है demand curve के डाउनवर्ड स्लोप का प्राइस इफेक्ट। बट प्राइस इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दो इधर है, बाकी के तो अदर रीजंस से, तीन। तो ये पांच रीजंस है यहां पर, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व नीचे जा रहा है ना, उसके पांच रीजंस यहां पर दिए है, जिसमें फर्स्ट टू रीजंस आर द पार्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट, ये जो था ना अभी अभी, ये प्राइस इफेक्ट है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ा है, उसी के ये दो रीजंस है, इनकम इफेक्ट, उसके ही दो पार्ट है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखते हैं अभी व्हाट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जब भी प्राइस कम होता है कोई भी प्रोडक्ट का, तो आपके पास पहले भी समझो उतना ही इनकम था, अभी भी उतना ही इनकम है, और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, समझो एक पेन, कोई पर्टिकुलर पेन, जैसे कि यहां पर आगे देखते हैं, पर्टिकुलर पेन है समझो 10 रुपए का एक पेन है, बराबर है, आपके पास अमाउंट है समझो 400 रुपीस, तो आप कितना पेन खरीद पाओगे, या फिर समझो आपके पास 80 रुपए है, 80 रुपीस, हाउ मेनी पेन्स यू विल बी एबल टू परचेस 80 रुपीस में, 10 रुपए का एक पेन, 80 रुपीस में 8 पेन आएगा। वही अगर वो पेन 10 से 8 रुपए का हो गया, 10 से 8 रुपए का पेन हो गया, यानी कि पेन का प्राइस कम हुआ, तो अब उतने ही 80 रुपीज में, पहले 80 में 8 पेन आता था 10 रुपए का, अब 8 रुपया प्राइस हो गया, तो अब वही 80 रुपीज में 10 पेन आएगा, यानी आपका परचेसिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। विद द सेम लेवल ऑफ इनकम यू विल बी एबल टू परचेस मोर ऑफ द सेम कमोडिटी, इस वजह से आप अपना डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, बराबर है। पहले पर्टिकुलर अमाउंट से आपका 5 किलो चावल आता था, अब चावल का प्राइस कम होने से उसी अमाउंट से आपका 6 किलो चावल आता है, तो आप डेफिनेटली 6 किलो चावल खाओगे ना, यानी कि प्राइस कम होने से, देख लो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, समझो प्राइस 30 रुपए का चाय था, एक कप लेते थे, समझो पॉइंट ए लिया, चाय हो गया 15 रुपए का, 15 रुपीज का, तो अब आप 2 कप चाय पी पाओगे, और अगर और नीचे प्राइस आ गया, 10 रुपया प्राइस हो गया, तो अब उसी 30 रुपए से आप 3 कप चाय पी पाओगे, जो 30 रुपए से एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही कप पीते थे, वही 30 रुपए से आप 3 कप पी पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ा, क्योंकि उतने ही इनकम में आप ज्यादा खरीद पाओगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी बढ़ जाएगा आपका परचेस करने का। सो देखो, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ा, यानी ये कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स, और जब भी प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन रहेगा, सॉरी स्लोप डाउनवर्ड आएगा। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन याद है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में है यहाँ पर। चाय का प्राइस बढ़ेगा तो चाय वाले क्या बोलेंगे, चलो चलो कॉफी पीते हैं, कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कॉफी का डिमांड क्यों बढ़ा, क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया, इतना महंगा हो गया, उससे अच्छा कॉफी पिए ना, तो चाय वाले क्या बोलेंगे, चलो चलो कॉफी पीते हैं, तो चाय का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। नो डाउट, चाय का प्राइस बढ़ने से खुद का डिमांड क्यों कम हुआ, रीजन है कि उसको छोड़ के लोग उसके कॉम्पिटिटर के पास चले गए। लक्स एंड डव का मैंने बताया था, लक्स वाले ने अगर समझो प्राइस बढ़ा दिया, पहले समझो 30 रुपए का लक्स आता था, अभी 40 रुपए का कर दिया, बोले यार ये प्राइस में तो डव आता है क्रीम वाला, उससे अच्छा मैं डव से ना हो ना, तो लक्स छोड़ के लोग डव के ले जाएंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से लोग उसको छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट के पास चले जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट के पास जाने की वजह से, उसके सब्स्टिट्यूट के पास जाने की वजह से यहां पर डिमांड कम हो गया। तो कौन सा रिलेशन आया, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन। व्हेन एवर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। देन एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर्स, अब ये दो रीजन प्राइस इफेक्ट का था, नए कस्टमर का एंट्री होने से भी डाउनवर्ड स्लोप आता है, मतलब इनवर्स रिलेशन आता है। क्यों, नए कस्टमर के एंट्री होने से, समझो फॉर एग्जांपल पहले लोग ऐसे इस तरह से बाइक पे जाते थे, चार 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 लोग बैठ के, कितना डेंजरस है कि नहीं। अब ये बंदा बाइक पे क्यों जा रहा है, चार को लेके रिस्क लेके, क्यों, क्योंकि वो कार नहीं खरीद पा रहा है। क्या नहीं खरीद पा रहा है, वो कार नहीं खरीद पा रहा है, कार के लिए उसका कैपेसिटी नहीं है। ये बात समझ में आई हमारे भारत के बहुत बड़े डोनर, मतलब डोनेट करने वाले पर्सन, उनका इनकम का 66% पार्ट डोनेशन में जाता है, ही इज नन अनदर देन रतन टाटा जी, बहुत बड़ी हस्ती है, बराबर है, ऐसा नेटवर्थ के हिसाब से अमीर दूसरे होंगे, लेकिन वो सच्चे मायने में ह्यूमन बीइंग है। उन्होंने सोचा कि मैं टाटा नैनो निकालूंगा, तो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा था वो भी कार खरीदेगा। तो पहले कार अफोर्डेबिलिटी नहीं थी लोगों की, लेकिन टाटा नैनो लाख रुपए में, वो बाइक आएगा 70-80,000 में, टाटा नैनो आ जाएगा 1 लाख में, तो लोग टाटा नैनो ही खरीदने जाएंगे ना। तो क्या हो गया, कार करके जो प्रोडक्ट है उसको बाइक वाले का डिमांड नहीं मिलता था, रतन टाटा ने कार का प्राइस नीचे कर दिया, तो उनको नए कस्टमर्स जो ऑलरेडी कार खरीद रहे थे वो तो कार और ज्यादा खरीदेंगे, प्लस जो नहीं खरीद पा रहे थे वो भी आ गए कार खरीदने के लिए, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, और भी कस्टमर्स कैपेबल हो गए, जिनका पहले वो प्रोडक्ट खरीदने का कैपेसिटी नहीं था, अब उनका वो कैपेसिटी है, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड ऑलरेडी जो खरीद रहे थे वो तो ज्यादा ही खरीदेंगे, प्लस नए कस्टमर्स और आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट का अफोर्डेबिलिटी पहले नहीं था, अब प्राइस कम होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी आ गया। इससे भी क्या हो गया, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गया। कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन देखा तो स्लोप डाउनवर्ड ही आएगा। देन लॉ ऑफ डीएमयू भी एक कारण है, हमने ऑलरेडी देखा था वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, लॉ ऑफ डीएमयू ऐसा था ना वहां पर, लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्यों, क्योंकि समझो मैंने बताया था डोसा खरीदने के लिए गए, अन्ना को पूछा अन्ना एक डोसा कितने का, अन्ना बोला 10 रुपए का है भाई, एक डोसा 10 रुपए का, बोला ठीक है भाई खिलाओ, बहुत भूख लगी है, पहला डोसा खाने बहुत भूख लगी थी ना, पहला डोसा खाने से मुझे क्या हुआ, 20 रुपए जितना मजा आया, समझ लो 10 रुपया दे रहा हूं लेकिन मजा 20 रुपए जितना आया। अन्ना को और एक डोसा आने दे भाई, बहुत भूख लगी है, दूसरा डोसा खाएंगे, अब दूसरे डोसे से मजा कम होने वाला है। लॉ ऑफ डीएमयू में हमने देखा जैसे जैसे हम और खाते जाएंगे वैसे वैसे मजा धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब दूसरे से 15 का मजा आया, हमारा मजा कम हो रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट अन्ना को भी मालूम है, तो अन्ना उधर नहीं बोलेगा जैसा जैसा तुम्हारा मजा कम होएगा वैसा वैसा मैं तुम्हारा प्राइस कम करेगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा तुम एक काओ के 10 काओ, एक का 10 रुपया होएगा, ऐसा बोलेगा ना वो, यानी 10 रुपये मैंने देखो फिक्स कर दिया उधर। अब प्राइस 10 रुपया जब है तीसरा भी खाएगा, बोले भाई अभी तो भूख लगी है, और जब तक मेरा मजा ज्यादा आ रहा है प्राइस से, प्राइस 10 रुपया दिया 20 का मजा आया और एक खाया, प्राइस 10 रुपया दिया 15 का मजा आया और एक खाया, इस बार मजा 10 हो गया, लेकिन यहां क्या हो गया, मजा एंड प्राइस इक्वल हो गया। अगर मैं चौथा यूनिट खाने जाऊंगा तो मजा 5 हो जाएगा, मैं अन्ना को बोलेगा अन्ना टाइम प्लीज, जिधर मेरा मजा और प्राइस इक्वल हो गया मैं कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद मैं खाएगा मजा और कम हो जाएगा, प्राइस तो 10 ही जाने वाला है, तो मेरे को ये परवड़ेगा नहीं, मजा कम और प्राइस ज्यादा, तो मैं स्टॉप किधर हो जाएगा, जहां मजा इज इक्वल टू प्राइस। ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो आपका डिमांड कितना हुआ, 3 यूनिट, आपने 10 रुपया प्राइस पे 3 यूनिट खरीदा। अब अगर समझो अन्ना बोलता है देखो तुमको आज स्पेशल डिस्काउंट देता है, प्राइस फॉल्स 2 रुपीज 5, 5 रुपया प्राइस हो गया, अब क्या होगा, प्राइस कम होने से जहां पर मैं तीसरे यूनिट पे स्टॉप हो जाता था क्योंकि उधर इक्विलिब्रियम आ रहा था इक्वल, अब क्या होगा, मैं चौथा यूनिट भी खा सकता हूं, क्यों, प्राइस 5 रुपया है ना, तो मैं चौथा खाने से मेरे को 5 का मजा आने वाला है, यानी कि मैं कहां स्टॉप होऊंगा, जहां पर मजा इक्वल टू प्राइस, और कहां पर आएगा वो नेक्स्ट लेवल पे, यानी मैं अब कितना यूनिट खरीदेगा, 4 यूनिट खरीदेगा, मेरा डिमांड क्या हो गया,
₹10 प्राइस पे इधर इधर ₹10 प्राइस पे 3 यूनिट का डिमांड था, ₹5 प्राइस होने से मेरा डिमांड 3 से 4 यूनिट हो गया, प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ा, कौन सा रिलेशन आया? इनवर्स, इनवर्स रिलेशन आया, यानी कि स्लोप डाउनवर्ड ही आने वाला है। तो डाउनवर्ड होने का ये भी एक कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। एंड द लास्ट पॉइंट इज मल्टीपर्पस यूजेस, जो चीजें आप बहुत सारे यूजेस में लेते हो, अब उसमें आपका एटीट्यूड कैसा रहता है। अभी समझो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया ₹350, अभी मेरे को लॉकडाउन में देखो इतना बिल आया था 350, बोला सही है भर दो फटाफट भर दो। और अगर समझो तुम्हारे घर पे कम बिल आया, क्या बोलेंगे? अरे चलाओ चलाओ आईपीएल आ रहा है देखो, महाभारत आ रहा है देखो, रामायण आ रहा है देखो, देखो पूरा दिन टीवी देखो, लॉकडाउन में करेंगे क्या? बिल कम आएगा, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे, ज्यादा यूजेस पे ले लोगे। आने दो, गीजर चालू करो बिंदास, एसी चालू करो बिंदास। फिर अचानक से बिल आ गया ₹8,670। अगर इतना बिल आ गया, पापा काम से घर पे आ रहे, मुझे नहीं मालूम है, मैं टीवी देख रहा हूं, उधर से पीछे से आए, टीवी देख रहा हूं पीछे से सन करके, क्या पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, देखा है बिल कितना है, कम करो यूज। ज्यादा बिल आ गया तो आप अपना यूज क्या कर दोगे? कम कर दोगे। अगेन वही बात हो गई कि प्राइस जब बिल जब कम आया था, यानी कि प्राइस कम था तो आपने डिमांड यूजेस बढ़ा दिए थे, बिल जब ज्यादा आ गया यानी प्राइस बढ़ गया तो आपने अपने यूजेस कम यानी डिमांड कम कर दिया। अगेन प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स। इसी वजह से स्लोप क्या है? डाउनवर्ड। सो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दीज आर द रीजंस बिहाइंड इट। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। सो पीपल्स एकेडमी और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स डालता रहेगा, अपलोड करता रहेगा, आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहो, मेरी चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। और इसके पहले के जो डिमांड के 2 लेक्चर्स है, चैप्टर डिमांड 3A, उसके दोनों लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।